आज हम आए हैं राफी का चेकअप करवाने। राफी, क्या हुआ आपको? राफी का पेट नहीं ठीक था, इसके दूध का मैंने पूछना था, तो यहाँ पे मैं आई हूँ। ये बच्चों का यहाँ पे एक नर्स मिल जाती है ना यहाँ पे, तो 3 साल तक वो ही चेकअप करती, बल्कि 5 साल तक। उसके बाद फिर आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, राफी का चेकअप है आज। और वानिया नाया को भी हमने स्कूल से भी लेना है जाते हुए, तो इसके दूध का मैंने पूछना है कि मैंने चेंज करना है उसके रिलेटेड सारा। और मैं और राफे आए थे यहाँ, यहाँ पास ही शॉपिंग मॉल है, वहाँ से शॉपिंग की, थोड़ी चीज़ें लेनी थी। तो अब हम वेट कर रहे हैं हमारी टर्न का, और वो फिशीज भी हैं यहाँ पे। और ये साफे खेल रहा है, ये पेंटिंग लगी हुई है। राफे, आप प्ले कर रहे हो? अच्छा, तो अब हम राफी को चेकअप करवाते हैं, फिर चलते हैं घर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करते हैं सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है, हमारी लाइफ भी अच्छी जा रही है। पिछले दिनों कुछ बिजी थी तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं लगा सकी। अब आपको बहुत से एक्साइटिंग व्लॉग मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आई थी राफे का चेकअप करवाने के लिए, इसका पेट का थोड़ा मसला था, मैंने आपको लोगों को बताया है। यहाँ फास्ता में मैं आई थी, तो अब चेकअप करा के मैं जा रही हूँ वानिया लोगों को लेने। तो ये देखें, दिन स्काई इतना प्यारा था, बहुत ही प्यारे कलर्स आए हुए थे। समटाइम्स यहाँ बहुत अच्छे कलर्स आते हैं, देखें कितने प्यारे। और अब वानिया लोगों को लेके फिर मैं घर जाऊंगी, खाना बनाना है। उस दिन मैंने बनाए थे आलू गाजर, जो हम गाजरें लेके आए थे, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी रेड वाली। तो वो यहाँ से किसी देसी शॉप्स पे आती हैं, तो वहाँ से हम ले सकते हैं। या वानिया लोगों के स्कूल में आ गई हूँ, इनको लेके मैं चलूँगी घर। अभी आप लोगों को दिखाती हैं, जो यहाँ पे स्नो जो है वो मेल्ट होके जब दोबारा ऐसे होती है ना, तो स्लिपरी बन जाती है। अब वानिया नाया को दोनों स्कूल अब से यहाँ ले वेट लिया, कर रही यहाँ हैं। इतनी स्लिपरी हुई हुई है। हुई लो या ये देखे, स्लिपरी हुई है सारी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं घर। और आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी ग्रोसरी भी दिखाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को दिखाई थी तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे जो जेठ लोग हैं वो भी पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उन्होंने आना था हमारी तरफ ही, उसके लिए मैं चीज़ें लेने गई थी। वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारा। और ये देखे, यहाँ पर फिर मैं घर आके एक तरफ मैंने पास्ता बनाया था बच्चों के लिए जल्दी जल्दी, और अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। यहाँ पर जो क्या नाम है, स्वीडन में जैसे लाइफ जो है वो आसान नहीं है, यहाँ पे आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है A to Z, तो कई दफ़ा काफ़ी टफ लगता है। और वो देखे, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ आके, और हाथ मुंह धोया है मैंने बस, और साथ ही मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। राफी का चेकअप जो है वो 3 साढ़े 3 बजे था, फिर वानिया लोगों को लेके घर आना तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने आके जल्दी जल्दी बनाया खाना, और यहाँ पर मेरा आलू गाजर मटर जो है वो रेडी होने लगा है। ये देखे, बहुत ही मज़े का बना था। इन गाजरों का तो अपना ही एक टेस्ट है ना, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने किचन भी साथ साथ क्लीन कर लिया था। और ये देखें, आलू गाजर हमारे रेडी हो रहे हैं यमी से। और अब हम बनाएंगे रोटी और यमी यमी खाएंगे, और पास्ता वानिया लोगों ने खाया था। उसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट डे दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा स्नो हो गई थी नेक्स्ट डे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्नो हो गई थी। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा क्लिप मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी शेयर किया था, वो आप लोगों ने देखी होगी। ये देखें, नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। तो यहाँ बहुत स्नो हो गई थी, अब वो भी मेल्ट हो चुकी है, स्लिपरी है आजकल बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, वाइट हुआ हुआ है सारा। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं ग्रोसरी करने, वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं बिलीज़, ये देखें बिलीज़ आ गया है। यहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर, जैसे महीने में एक बार तो यहाँ से बड़ी शॉपिंग जो जैसे ग्रोसरी आप कह लेना ज़्यादा वाली वो करते हैं यहाँ से। बाकी जैसे दूध वगैरह है, योगर्ट है, वो फिर ख़त्म हो जाए तो फिर वो आता रहता है। तो अब हम पहुंचने लगे हैं बिलीज़, और फिर मैं आप लोगों को अपनी ग्रोसरी दिखाती हूँ, मैं क्या क्या ले रही हूँ। क्योंकि मैंने चिकन लेना था, दूध, कस्टर्ड मैंने बनाया था जब वो लोग आए थे, तो इतने मज़े का कस्टर्ड बना, काफ़ी अरसे बाद मैंने इस बार कस्टर्ड बनाया था।
तो बहुत ही मज़े का बना था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों को मैंने अपने वो भी दिखाने हैं जो पाकिस्तान से मेरे कपड़े आए थे, उसका भी व्लॉग भी मैंने बना लिया है, बस एडिटिंग करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हाउस टूर आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग्स में, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। यहाँ पर ये जो है खीरा पड़ा हुआ है और अब मैं कर रही हूँ ग्रोसरी, और आप लोग मेरे साथ एंजॉय करें ग्रोसरी को और फिर मैं आप लोगों को। अब यहाँ से हमारी शॉपिंग जो है कंप्लीट हो गई है तकरीबन, बस हमने कुछ चीज़ें लेनी हैं और फिर हम डन हैं। और ये देखिए हमारी ट्रॉली भर गई है, और ये मैंने चिया सीड्स लिए हैं और ये मैंने फ्लैक्स सीड्स लिए हैं, ये अपने लिए मैंने लिए हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप इसे पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के और चिया सीड्स डाल के खाएँ ना तो बहुत इफ़ेक्टिव है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है अगर हमने वेट लूज़ करना है। तो घर जाते हैं फिर हम रखते हैं ये। अब हमने कर ली ग्रोसरी और अब चलते हैं घर। आज हम आप लोगों को अपनी मंथली ग्रोसरी दोबारा दिखाते हैं। लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी थी। यस, और वानिया बताएगी हम क्या क्या लाए हैं। वानिया बताओ। ये मानाया का फेवरेट है और ये बच्चों को आप भी दिया करें, ये बहुत अच्छा है, यमी है। तो ना पीछे हो, ये हमारा दूसरी योगर्ट है क्योंकि हमारी दावत भी है तो उसकी हमने ग्रोसरी की है। ये देखें, ये 1.5% है और ये 3% है। और ये कोला है, ये 0। और ये चिकन है, ये हम लेके आए हैं। Well, look at this picture. Is this true? बताएं आप कमेंट करके। और ये चिप्स है, ये सिरका है, ये वाइप्स हैं, और ये मैं आलमंड फ्लोर लेके आई हूँ। ये चीज वाली आपके लिए चीज स्लाइस भी लेके आई हूँ। और ये ऑयल है, ये आजकल मिल ही नहीं रहा। और ये खुबानी है, डैडी खुबानी, ये देसी शॉप से ली है। डाइजेस्टिव बिस्किट, ये शुगर फ्री हैं। और ये बहुत मज़े के हैं। और ये ब्लू बेरी है, सोप है, ये टैको सीजनिंग है, ये आप चिकन शवारमा या कुछ बनाए ना, शवारमा कुछ बनाए ना उसमें डालें तो ये बहुत मज़े का बनता है। ये हमारे लकी के डाइपर हैं पापा, ये वॉशरूम में रखो। और ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये वाला सैलड बहुत अच्छा है, ये आप लोग जरूर ट्राई करें। और ये कस्टर्ड के लिए है। और ये वाली जो है ना, ये कैलोरी शुगर फ्री है, ये चॉकलेट बार, ये बहुत मजे की। माशाल्लाह। और ये वाली जो चीज है ना, ये 12% है, ये बहुत मजे की है।
ये वानिया के फेवरेट है। और ये राफे का दूध है। ये वाली आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है, ये भी लो फैट लो शुगर है। और ये वाले वो लाई हूँ मैं फ्लैक्स सीड्स, ये मैंने खाया करने हैं। और ये चिया सीड्स भी मैं पीती हूँ पानी में। ये वो है। तो ये हमारी होल ग्रोसरी है क्योंकि हमारे घर दावत भी है। ये साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है कीमा फ्रीज वाला। इसका उन्हें ये लेना है तो देसी शॉप से ले सकते हैं क्या। और ये है यहाँ पे मिलती है स्वीडन में, इसको कहते हैं हार्ड ब्रेड है, इस पे बच्चे बटर लगा के खाते हैं। और ये टोटीला है, ये भी होल वीट में लेके आई हूँ। ये मेरा ग्रोसरी हॉल था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग अपनी ग्रोसरी उठाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दावत पे जो हमने क्या चीज़ें बनाई क्या किया। तो अभी बच्चों के साथ ये सारा व्लॉग बनाना, इतनी चीज़ें यहाँ रख के बहुत मुश्किल था, इनके इतने सवाल और ये क्या यहाँ क्या रखना है। फिर हम सब ने मिल के ये ग्रोसरी सेट की। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।